जी राम राम नमस्कार, मैं आपका चिराग तवरकर। तो आज आप सबका स्वागत है खास मुलाकात में। आप सब मैंने कहता भाई, आज जो खास मुलाकात के साथ होने वाली है कोई भगवान का है कोई भाई का है। और मेरे हिसाब से इस उम्र में जितना कर दिया हुआ मेरे हिसाब से आज तक मैंने उतना तो सुनिया कलमा में देखा था पर लेकिन रियल लाइफ में नहीं देखा था। पर लेकिन आज हर्ष भाई आपका स्वागत है। क्योंकि आपने चाण वाले आज हरियाणा में नहीं, राजस्थान दिल्ली और मेरे साथ पंजाब में भी जा रही है। आप तो पंजाब कई बार गया हूं, कई बार गया हूं। मैं छोटी सी बात बता देता हूं, अभी मैं चंडीगढ़ का प्रोग्राम था मेरा, तो वहां मैं एक शो था मेरा, तो मॉल में गया हुआ था। एक लड़की आती है, लड़की थी उसकी माँ थी, तो वो आगे बोली भाई तू वो है ना जो प्यार करवा कर एक इस बात के ऊपर छोटी बात मैं बताता हूँ आपको चिराग भाई। अपना सोनीपत बस स्टैंड से आगे ही मॉल है, शायद सिटी मॉल नाम है ना अपने मॉल का, उसके अंदर मैं जा रहा था। एक लड़की मुंह मां बांध रही थी और मेरे तब मेरे पीछे से आगे मेरे को भी सेम क्वेश्चन किया था कि आप चिराग तवर हो, मगर मैं मेरा जवाब था मैं चिराग तो नहीं हूँ, उसका भाई हूँ। बहुत खुशी मिला भाई साहब, क्योंकि देखो जो ये काम कर रहे हैं ना, जो कार गुंडा काम कर रहे थे ना 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 उस नाम के लड़की जोड़ दिया। पर लेकिन मैं बहुत खुश रहा हूँ इस चीज में कि कहीं ना कहीं छोटे भाई का नाम तो मिलने जा है। और मेरे सबसे अभी जो पोस्ट हुई थी उस पर भी कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं कि छोटा वर्जन आ गया रचकारा का तो मतलब बहुत खुशी मिला है, क्योंकि भाई साहब आपने ऐसा काम कराया है जो हमने भी तारीफ मिल रही है। कह सको हो कि कहने की थे आपके नाम पर हमने भलाई मिल रही है। देखो आप कभी राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में जाना, हनुमान मंदिर में जाना, बालाजी जाना, कहीं भी अगर आप जाओ ना, हरियाणा की तरफ से सिर्फ एक छोटा शब्द उनको बोल दोगे हम आरस चिकारा के भाई हैं या आरस चिकारा की बहन है, वी आई पी तरीके से है ना, वो पूरे मंदिर की आपको सैर करवाएंगे, पूरे मंदिर में आपको खवाएंगे, अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। तो एक नाम के कारण अगर पूरे हरियाणा का इतना मान सम्मान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो हमारा नहीं हरियाणा का ही नाम हो रहा है। मेरे हिसाब से बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे हो सके भाई साहब के जो कि आपने अपनी लाइफ का जितना भी मतलब था शायद बता दिया, मैंने खुद भी सुन दिया। तो मेरे हिसाब से सेम वही चीज पूछेंगे या वही चीज सुनेंगे, मुझे वाली बात नहीं रहोगी, न कहोगे हर बार वही सवाल पाऊंगे। जी जी। तो भाई साहब हम थोड़े बहुत हंसी मजाक के सवाल है तो उन पे चलेंगे। सोनीपत खाड़े में गया हूँ, 2008 से लेके आज 2023 आ गया। मेरे पार्टनर वही है जो पहले दिन से थे और उसके अंदर भारत केसरी भी है दो, उसके अंदर 8-10 इंटरनेशनल भी है। मैं तो उनका झूठा कूठा ये खा लिया करूं। मेरे हिसाब से भाई सब कोई ऐसी एक फील्ड बच रही होगी जिसमें मतलब आपने काम नहीं करा हो या आपने नहीं करी हो। एक सॉन्ग मॉडल भी आपने काम करा है। जी जी। हाँ सॉन्ग मैंने एक्चुअली अभी का तो नहीं काफी टाइम पहले का देखा था। एक हरियाणवी कहावत है अगियो छोरा के देहाती भाव होगा। एक गधा ये नहीं बार रखा बाकी सब क्यों कर रखा है, ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर रखा। आली मैं आपको एक बारी बताता हूँ, 2011 से लेकर 23 थी बता दूं, शिवजी मन्ना बेच रखी है, रोडी डस्ट के ट्रक मन्ना खाली कर रखे हैं, वो थोड़े पहले कर रखे बचपन में, मजदूरी मन्ना कर रखी है भाई, उससे अलग के फल मन्ना बेच रखे हैं, ककरोई रोड गवाही इस बात का ये ना हक मैं बड़ी बड़ी बात मारूं। और तो राज भी सोनीपत तक गोवाना के बीच में गांव भी दलावे है, गेवर की दुकान करी हाथ से उड़े तो आया हूं सीधा। मेरा मानना ये है कोई काम धंधा छोटा नहीं होता, जूस की दुकान मन्ना कर रखी, डेयरी मन्ना कर रखी, भैंस मन्ना रख रखी, गोबर मन्ना ठा रखे, हाल फिलहाल गौशाला है उनका गोबर ठावा, उस काम में स्वाद आवे है वो बढ़िया लग गए। और मेरे
मेरे तो भी 32 हवा दाला बता दू। ये श्यामी पहले डीलर में बैठा, ये जो दोनों बैठे मेरे लंगोटिया यार है, सब तो परले की शक्ल देख लो, इंटरनेशनल पहलवान है। पहले तो आप लोगों को बता दू, सबसे पहले लग गया था आर्मी में, नौकरी ना करी क्योंकि ठीक ठाक पहलवान था, बोले और बड़ी पोस्ट पर लगाएंगे। फिर लग गया यूएसएससी में, वहां नौकरी छोड़कर कहां पा रहे है, क्योंकि शौक है इसका, शौक सबसे बड़ी चीज होती है। अक्सर आपके साथ मैंने भाई देखने मिले हैं, परमानेंट है वो, हाँ परमानेंट भाई है मेरा। तो आपने अभी मूवी भी आई थी भाई, भाईचारा नाम तो मूवी आई थी, उसमें आपका विलन का रोल था जी। मतलब वो कैसे, मतलब शक्ल देख कर बदमाश लग गया? मेरा मानना न्यू है, जो मेरी आवाज है ना वो एक स्वाभाविक रूप से ज्यादा कड़क रहती है, उसको देखते हुए ईसा रोल दिया, क्यों विषय लड़ाकू हा लागे है, इसमें विषय ठीक लागेगा। एक्चुअली सच्चाई बताओ, मैंने भाई सारा फिल्म देखी थी भाई खातर, मतलब लास्ट में भाई का सीन आवा, वो भी सीन आवा जब गड़पड़वाड़ खातर आ गया। उसमें मतलब ऐसा देखो, भाई का जीवन तो बिल्कुल अलग है, एक समाज सेवी वाला है, पर लेकिन उसमें तो खा रहा है क्या नाश करता है महाभारत में शकुनी वाला, जैसे उसमें था ना मामा, वो ही मामा वाला रोल था सेम। मोटिवेशनल जो स्पीच है वो बहुत प्यारी देवा, मैंने आप एक दो भाषण देखे हैं, लॉकडाउन के टाइम पे भी देखे थे और जो अभी आंदोलन हो रहा था उसमें भी देखे थे। हाँ अभी भी मतलब पहलवान बैठे थे तो वो भी देखे थे मैंने, मतलब मोटिवेशनल स्पीच है वो, वाकई अगर मैं बहुत इंस्पायर उस चीज़ था कि हाँ यार, मतलब बगैर कुछ देख के बना पर डे कोई बंदा कैसे इतना मोटिवेट कर सका किसी ने, मतलब बड़ा भी कर लो भाभी आ गया बारे वाह मेरे तो ज्यादा पढ़ी लिखी है। देखो बड़ी चीज ये है, शादी को 7वां साल लग रहा है, क्या बात, 7 साल में कल पहली बार की तो बाहर घूमने जावांगे, यानी कि हम जीवन की गरीबी के कारण एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए। अपना जो ठीक टाइम आया है ना, जो सच्चाई वाली बात है, बड़ी डिंग आंकड़ा अपने बस का नहीं है, 2017 के 12वें महीने की 8 तारीख को 2:32 पर मेरा बेटा हुआ था जिसका नाम अरमन है। उसके बाद उस बेटे का जन्म होने के बाद जो 6 महीने का टाइम पीरियड था ना, उसमें मैंने जो काम करा, मेरे सारे काम धंधे सक्सेस हो गए, सारे काम धंधे चल गए, सब कुछ अच्छा हो गया। आज इस टाइम पे परमात्मा की दया से लगभग 100 आदमी मेरे पास रोजगार करते, मेरे तक कमा के खा रहे। एक भाई साहब देखो, मूवी में आप आ लिए, गाने भी कर लिए, सॉन्ग मॉडल भी काम करे आपने, मोटिवेशनल भी आप हो, ये बात का हमारा काम खाने का तो काम नहीं हो जाए कि कॉमेडी भी करने लग जाओ। ऐसा चिराग भाई, मैं अगर चाह कर भी ये सोच पाऊंगा ना मैं चिराग बन जाऊं, मैं नहीं बन पाऊंगा। आप अगर ये सोचोगे मैं हर्ष बन जाऊं, आप भी नहीं बन पाओगे। इस जीवन की हकीकत ये है, आप जिस फील्ड में लगे हुए हो, जिस फील्ड की आपने शुरुआत कर दी, शुरुआत के तौर पे ही बताता हूं, जब हमने समाज सेवा सोशल मीडिया पे दिखानी शुरू करी, सब तो पहली जो मदद करी थी 70% आदमी ने हमारे गाल दी थी, 30% ने ये बोला था चलो भाई किसी का सहारा लाया है, लेकिन 70% आदमी ने कहा लग रहे थे तुमने की बेइज्जती कर दी। वहां से लेकर जो आज तक का सफर है, 5% उल्लू के पट्टे तो आज भी वे तरह होंगे, उनका तो कोई समाधान नहीं, क्योंकि घर में भी एक आधारा ना खागड़ पाए जा रहा, बंद कर रखना पड़ा रहे, तो नॉर्मली बात है सारे का पाऊंगे। उससे अलग हमने लगभग ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता। पोती साहब मेरे साथ 360 छोरी ब्याह ली ना, 360 छोरी ब्याहने का मतलब पता क्या है? 360 है, 60। बहुत बड़ी बात है भाई,
एक एक सेकंड माफी चाहूंगा चिराग भाई, 360 लड़की ब्याली और लगभग लगभग 84-85 बात भर ली है और लगभग 32 करोड़ रुपए की नगद गरीब आदमी की मदद कर ली। अच्छा 2000 प्लस परिवार ऐसे बसा लिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था, किसी का ऑपरेशन, किसी की शादी, किसी का इलाज, किसी का कुछ। उससे अलग है हमारा मानना ये है जो हमने सीखा है, मैं जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मोटिवेशनल कहां से होते जो आप पहले कह रहे थे, मैं मोटिवेशनल होता हूँ महाराजा सूरजमल से, महाराणा प्रताप से, झांसी की रानी से, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, मैं सबको पढ़ता हूँ, सबके मैंने एक चीज देखी, सबके विचारों के अंदर कहीं भी जातिवाद का कोई शब्द नहीं था। और जो उनको पढ़ लेगा वो इंसान हो जाएगा, फिलहाल कोई भी इंसान नहीं है, सब यहां जाट ब्राह्मण वाल्मीकि ये बने बैठे हुए। जब तक ये कीड़ा हमारे अंदर से नहीं मरेगा ये आपको बार बार अपमानित करवाता रहेगा और आप कामयाब नहीं हो पाओगे। मैंने उनको पढ़ा चिराग भाई, उनको पढ़ के हर चीज की शुरुआत करने की कोशिश करी, ना पता हो तो मार्ग जो गुरु ने तो न्यून बताई थी फेसबुक पर लाइव आया जा, ये बात लोग का तो मन बताई थी, शेयर कड़े तो यार है, शेयर टू ग्रुप ठीक है। 2016 के फर्स्ट में या 2015 के लास्ट में सिर्फ आप फोटो डाल सकते थे फेसबुक पे, वीडियो पहली मन डाली थी, लाइव पहली बार में आया था, मन लोगों को बताई थी आप लाइव भी आ सकते हो, मन ने पहले लाइव मदद मांगनी शुरू करी, मन लोग भिखारी भी कहते, चंदा चोर भी कहते, मन ने अपना काम कराया। आज वे आदमी नु कहने लग रहे भाई साहब हमारा प्रोग्राम शादी आ जाओगे के? ये चीज बिल्कुल चली थी, ये सच्चाई है। और मेरे हिसाब से 2016 में खुद देख लिया हूँ लाइव जो भाई ने देखा करता, उस टाइम में मैंने ये नहीं बताता भाई इंस्टाग्राम पर भी शायद उस टाइम पर थे भी नहीं ना, मैं इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं आया, पर मना भाई साहब दो रहे मैंने देखी जो लाइव देखा करता मोस्टली। पर एक दिन भाई साहब का हमारा सो बात करता, भाई साहब का मैसेज आया मेरा नु आया कहा मगा यार अर्श भाई तो नहीं हो सकता क्योंकि मगा बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे, उस टाइम एक्टिव ज्यादा थे मैं जब एक्टिव हो गया था इंस्टाग्राम पर। धीरे 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 आज देखो मेरे हिसाब से एक टाइम पर हरियाणा का दिया करता ना, आज पंजाब सर आ गए हैं अपने सर पर बैठा ले जब जावे हैं, जब मेरे हिसाब से मतलब देखो हम अपनी फैमिली के पास कितना रहा है, नुका करा ना बिन लालच के दया बाप भी अपने बेटे ना पा, और बिन लालच के देखो कित कित है किस खातर, एक प्यार एक इज्जत, मेरे हिसाब से वो चीज देखी हो रहा भाई। देखो ऐसा चिराग भाई एक समय ऐसा था सन 2000 में छठी क्लास में होया था सरकारी स्कूल में मेरे गांव के में 12 रुपए फीस थी दीना जाया करती, और उस वक्त माँ बहुत कम उम्र में गुजर गई थी, आपने सुना रखा दादा दादी गुजर गए थे, औरत नाम की घर में चीज नहीं रही, मेरा मानना ये है औरत बिन घर नहीं है। उसके बाद क्या होता है जो अड़ोस पड़ोस के जितने जो आदमी यार थे, मेरा भाई था मेरे थे भी 3 साल छोटा था, मेरी उम्र मेरी माँ गुजरी 7 साल थी तो मेरे भाई की क्या होगी, नॉर्मली बात है। तो आदमी आके ये तने हुए यार थे बोला कुछ नारायण के सांड है के बनने हैं, आम किसी के घर के बाहर टूटा उठ डोलू हा यार था सीत मांगण जा रहे थे ती यार थे आम खड़े रहा करते के घंटे थी ताई गाल देने, मतलब क्योंकि समझ नहीं थी दिमाग में आग भाई यो थारा अपमान हो गया ना धमका दिए थे चले जाओ। दूसरी बात सब्जी बनानी नहीं आती, अचार अचूर मिल जाता खा लेते, चटनी मिल जाती खा लेते, मतलब वो जो दौर था ना वो जो टाइम था मारे अंदर तो ये मान लो एक किस्म का बदबू आया करती, मारा किसी ने कोई झूठा न्योता भी नहीं दिया, वास्तविकता यह घर परिवार ने भी न्योता नहीं दिया, आप उनका सह के करोगे के? और अगर आप मेहनत करते हो आप मेहनती हो आपका संघर्ष आपको कहां लेके जाता है, 9वीं क्लास में 14 साल का था जब मैंने रोडी डस्ट के ट्रक खाली करने शुरू करे थे,
मेरे को दिहाड़ी 75 रुपये मिलती थी क्योंकि मेरी उम्र कम थी, नाबालिग था। मेरे पापा ने 150 रुपये मिले यार थी, काम बराबर का करे यार थे। वो जो दौर था, वो जो टाइम था, आदमी नहीं देखे यार थे कुछ ना, मजदूर है और मजदूर का बेटा, लोगों का माइंड सेट हो गया। आज भी जो गाड़ियां देते, आज भी जो कटते, आज भी जो बैकग्राउंड जानते हैं ना, उसका रीजन यही है। कालती दे ट्रक तार यार थे, तुम ही नहीं बुका मैं चीफ गेस्ट बुलाओ। दुख इस बात का है, आपकी सक्सेस से लोग चिढ़ते क्यों है, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी। उनको क्या दिखता है, जब हम भी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, यहां भी जितने भी ये महान आत्माएं हमारे को देख रही है ना कहीं इनके दिल दिमाग में भी ये हो जाएगा, अरे छिकारा का अगर चिराग भाई इंटरव्यू लेने लग रहा था, हमने इन दोनों से ज्यादा पॉपुलर होना। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं होता आप एकदम से हो जाओगे। पॉपुलर आप जब हो सकते हो, जो मेहनत आप कर रहे हो, जो मेहनत मैं कर रहा हूं, अगर ये उससे ज्यादा कर पाएंगे तो सिर्फ मेहनत आपको ऊपर लेके जाएगी और कोई नहीं। वहां से उठकर चिराग भाई आज जहां पहुंचे हैं, आज दिल को सुकून मिलता है। मेरे गांव में जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो चीफ गेस्ट बिना पूछे सबसे पहले मेरे को बुलाया जाता है। और जो तन्ने मारिया करती, जो न्यू का आरती रांड के सांड हैं, वे न्यू कहे बेटा मैं के तेरी माँ को ने हमारे छोरे का रिश्ता कराया देना। सिर्फ ये शब्द सुनकर खुशी हो है। क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जावे है, जहां ताने मिले यू होड़ा जाके बैठे जी सब प्यार में मंगा रहे हैं, कारण समय बलवान है। बहुत बढ़िया है। अच्छा चलो अर्श भाई, ये तो मैं देखो, मैंने ये वीडियो देखी थी आपकी। जी जी। और वीडियो देखते हो टाइम मैं ना इतना भावुक हो गया ना, इतना इमोशनल हो गया ना, मैं पर सुनी नहीं थी। हकीकत मैं रियल की फीलिंग बता रहा हूँ, इस बारे में इबी भी थोड़ा नर्वस हो गया था कि मगा भाई जो ऐसे देखो हम खुद तक फील करके चला ना उन चीजा ने, तो समझ पाओगे कि क्या दुख हो गए हैं, नहीं तो कोई भी नहीं समझ पाओ। चलो भाई साहब ये तो ऐसा है, आपका कठिन जीवन था, आप पढ़ भी नहीं बहुत कम पाए होगे शायद। ना मास भी पढ़ू हूँ। हाँ LLB करने लग रहे हो आप ना? कंप्लीट होली। कंप्लीट हो। अब भी पढ़ूंगा रे। अच्छा मतलब LLB करने का रीजन क्या था, मतलब वकील महंगे हो गए थे या केस घने हो गए? अपने ये केस घने हो गए, फीस ना देनी पड़ेगी। क्योंकि भाई जितने जल्दी हो ना उतने केस पाव है। नुका अगर भलाई के काम में आदमी तोड़ा मरिया करे, और मैंने ये चीज अभी पहलवाना जो केस था उसमें भी आप बेफालतू में से लेते, ये तो चलते रहे हैं। हक की लड़ाई लड़ने वाला भी आज गलत है, थोड़ा आज खुद घर का वकील हो गए तो मतलब ये कंप्लीट हो चुकी है ये बात। नेक्स्ट क्या करना चाहोगे? पता नहीं, क्या करूंगा जरूर, खाली नहीं बैठूंगा।